हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति और आज के करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए आज के करंट अफेयर्स की क्लास के लिए। तो हम जो करंट अफेयर्स लेकर आए हैं वो क्विज टाइप है, उसमें क्वेश्चन होगा, उसके चार ऑप्शन होंगे। तो आपको जो ऑप्शन सही लगता है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ जरूर मैच करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने जवाब सही आ रहे हैं और आपकी अब तक कितनी तैयारी हुई है। तो हमारा जो करंट अफेयर्स है, हमारे आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं उसी से रिलेटेड है, उसी पे बेस्ड है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, IAS ड्रीम ऑफर है, फ्लैट 20% ऑफ। आप देख सकते हैं अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए अलग अलग आपको फीस पे करनी होगी, प्राइस पे करनी होगी। 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स और 36 मंथ्स के लिए आप देख सकते हैं 49,965, 57,496, 69,907 और 84,621 रुपीज़ आपको पे करना होगा अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए, जिसमें आपको प्लस 3 मंथ्स एक्सटेंशन मिल रही है। और ये ऑफर जो है 30 मंथ्स, ओके, आप इसमें आप सेव करते हैं 54,694 रुपीज़। तो और आप हमारा एजुकेटर्स कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। ओनली UPSC 10, उसको आप जरूर यूज़ कर सकते हैं। और आपको सफर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीच योर IAS ड्रीम विद अनअकैडमी। आप देख सकते हैं अलग अलग रेटिंग्स मिली हैं अनअकैडमी को। लर्नर्स जो है अनअकैडमी को क्यों जो है इतना पसंद करते हैं और क्या चीज़ है जो कि अनअकैडमी को जो है डिफरेंट बनाती है। प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट, क्वेश्चन इन प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बेस्ड क्रैश क्वेश्चंस होते हैं, क्रॉस कोर्सेस होते हैं, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप होता है। और नेक्स्ट है अनअकैडमी लाइट, आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड स्टीयर योर प्रिपरेशन इन राइट डायरेक्शन। आप देख सकते हैं UPSC प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इज लाइव टू हेल्प यू क्रैक योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम। क्यूरेटेड बाई टॉप एजुकेटर्स, कम्प्लीट सिलेबस कवरेज होगा, इन डेप्थ परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा। 50,000 से ज़्यादा इनरोलमेंट हो चुकी है तो आप इसमें जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लें। हमारा आप एजुकेटर्स कोड ओनली UPSC 10 यूज़ कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस ऑफर से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है नई बैचेस शुरू हो चुकी हैं 30 मार्च 2022 से UPSC की, जो है 2022-23 की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपको 20 GS बुक्स जो है अवेलेबल होगी एज पर लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ UPSC, जो कि विथ 1 ईयर एंड अबव GS कॉम्पस सब्सक्रिप्शन। और आपको बुक से रिलेटेड और बैचेस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 8585858585, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऑप्शनल कोर्सेज मार्च मंथ में लॉन्च हुई हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग कोर्सेज हैं। हर कोर्स जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, तो आप जो लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में आपको जो है इस कोर्स में जो है एनरोलमेंट ले सकते हैं। और हर कोर्स के लिए अलग टीचर्स, अलग फैकल्टीज हैं जो आपको गाइड करेंगे। अनअकैडमी आपको जो है लोन की फैसिलिटीज़ भी देता है, जो कि 2 आवर्स में अप्रूव हो जाएगा, मिनिमम पेपर होगा, फ्लेक्सिबल टेन्योर होगा। और आपको लोन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 170+ टॉपर्स सेलेक्टेड लास्ट ईयर, जो कि आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी आपके लिए जो है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है लाया है, जिसमें आपको इंटरव्यू की जो है प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट, DF एनालिसिस, फ्री फॉर ऑल एलिजिबल स्टूडेंट, फ्लेक्सिबल शेड्यूल, मॉक इंटरव्यू विद एक्सपीरियंस पैनल, प्रीवियस ईयर ट्रांसक्रिप्ट्स। आप देख सकते हैं ये हमारे अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मेंटर्स हैं, वो आपको जो है मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवाएंगे, जो कि 1st week of April में होने वाला है। तो आप इसमें जल्द से जल्द जो है रजिस्टर करवा लें, आपको बहुत हेल्प होगी। अनअकैडमी की नई स्टोर ओपन हुई है दिल्ली में, आप देख सकते हैं, आप इसमें एक बार ज़रूर विजिट करें। लाइव स्टडी एंड मेंटरशिप सेशन फ्रॉम UPSC टॉप UPSC एजुकेटर्स, स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी टू फास्ट ट्रैक योर प्रिपरेशन। तो आप इस स्टोर में एक बार ज़रूर विजिट करें। तो अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं हमारी आज का पहला सवाल क्या है। देख सकते हैं हमारा आज का पहला सवाल है, नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो इसके ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, जी पंजाब, सी गुजरात और डी गुजरात। तो आप इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ जरूर मैच करें। तो हम इसका सही जवाब बताने के साथ साथ में जो है आपको डिटेल नोट भी लाए हैं, उस नोट को भी आप जरूर लिखें, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी।
आपके करंट अफेयर्स के नोट्स तैयार करने में। तो चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में गुजरात राज्य से पहले स्थान पर है, उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। निर्यात तत्परता सूचकांक में निर्यात संभावनाओं और प्रदर्शन के लिहाज से राज्यों की तैयारी का आकलन किया जाता है। इस सूचकांक में पहले 5 राज्यों में तमिलनाडु और हरियाणा भी शामिल हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? और ऑप्शन है ए, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, बी, राष्ट्रीय बालिका दिवस, सी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस और डी, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस यानी नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाने के रूप में नामित किया गया है और यह इस वर्ष से शुरू होकर प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। यह दिन जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित होगा क्योंकि यह गंगा डॉल्फिन सहित डॉल्फिन संरक्षण का एक अभिन्न अंग है। इस दिन डॉल्फिन के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी पर भी ध्यान दिया जाएगा। भारत में ज़्यादातर गंगे डॉल्फिन डॉल्फिन की मीठे पानी की एक प्रजाति है और यह असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लंबी गहरी नदी में देखी जाती है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। मारुति सुजुकी इंडिया ने 1 अप्रैल से निम्न में से किसी कंपनी का नया CEO और MD नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है ए, सोइचिरो होंडा, बी, हिसाची ताकेची, सी, युशाकु मेजावा या डी, शिगेरु मियामेतो। तो इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, हिसाची ताकेची। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया यानी MSI ने कहा है कि उसने हिसाची ताकेची को 1 अप्रैल 2022 से नया प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है। बता दें कि 31 मार्च 2022 को केनिची आयुकावा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ताकेची साल 1986 में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन में शामिल हुए थे। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के साथ साथ विदेशी बाजारों में अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में काफ़ी लंबे अनुभव के साथ वे अप्रैल 2021 से संयुक्त प्रबंध निदेशक यानी वाणिज्यिक के रूप में जुलाई 2019 में 19 से मारुति सुजुकी के बोर्ड में हैं। सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? और ऑप्शन है ए, 3.6%, बी, 5.6%, सी, 4.6% और डी, 6.9%। इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है, जी देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4.6%। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 के लिए भारत के वृद्धि दर के अनुमान को 6.7% से घटाकर 4.6% कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण भारत को ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, इससे इसकी कीमतों में उछाल आ सकता है। साथ ही व्यापार प्रतिबंधों, खाद्य मुद्रास्फीति, सख्त नीतियों और वित्तीय मोर्चे पर स्थिरता की चिंता जैसे कारक भी भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मेडेलिन अलब्राइट का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? और ऑप्शन है ए, जा अमेरिका, बी, जापान, सी, चीन और डी, रूस। इस सवाल का सवाल सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने जवाब को हमारे साथ साथ जरूर मैच करें जिससे आपको पता चलेगा कि कितने जवाब सही आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री मेरिलिन अलब्राइट का हाल ही में निधन हो गया है। वे 84 वर्ष की थी। उन्होंने बिल क्लिंटन प्रशासन के दौरान 1997 से 2001 तक राज्य सचिव का पद संभाला।
राज्य सचिव बनने से पहले अल्ब्राइट 1993 और 1997 के बीच संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत थी। वर्तमान में वे जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विसेज में प्रोफेसर थी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6, किस भारतीय अभिनेता को आबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? और ऑप्शन है ए सलमान खान, बी रणवीर सिंह, सी अजय देवगन और डी टाइगर श्रॉफ। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को आबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आबू धाबी यस आइलैंड दुनिया के बेहतरीन इंटरटेनमेंट डेस्टिनेशंस में से एक है। रणवीर यस है खास कि वीडियो के जरिए यहाँ की खूबियों और एडवेंचर से भरपूर जर्नी की झलक दिखा रहे हैं। वे वीडियो के जरिए यस आइलैंड की खासियतों के बारे में बता रहे हैं। तो स्टूडेंट, हमारी आज का रेफरेंस की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आपके कई सारे जॉब सही आए होंगे। तो आप इसी तरह से करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें और यूपीएससी की तैयारी करते रहें। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को रखें, इसका हम जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आपको अन अकेडमी के से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक करें, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।